और कहते हैं पेट की भूख से बचने के लिए इंसान सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, और अगर बात रोटी रोजी पर ही आ जाए तो फिर सड़क पर उतरने को लेकर किसी भी हद तक जाया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला अकोला के जनता बाजार का है, जहां महानगर पालिका और सत्ताधारियों ने जनता बाजार में व्यवसाय करने वाले 1000 लोगों को नोटिस देकर जनता बाजार खाली करने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर न्यायालय ने स्टे भी दिया है। लेकिन इस बाजार को खाली कराने के लिए गतिविधियां दोबारा शुरू होने की वजह से जनता बाजार स्थित 1000 व्यवसायियों ने 7 अक्टूबर को बाजार बंद रखकर राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें व्यवसायियों के साथ में अन्याय न करने और जनता बाजार का भूखंड जनतावासियों को ही दिया जाए, ऐसी मांग निवेदन के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले जनता बाजार संघर्ष समिति द्वारा की गई है, जिस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी के साथ अन्याय न होने का आश्वासन भी दिया है। हमारे पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी इनको निवेदन दिया और इनसे रिक्वेस्ट की कि 1000 परिवारों के बारे में आप सोचे, ऐसे कैसे हमको उठा के आप यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बना सकते, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना भी है तो हमको साथ में लेकर बनाया जाए, ना कि हमको उजाड़ के। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूरी तरीके से जायज करूँगा और आप लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ पे अभी हमारा धरना खत्म होता है, अपनी अपनी दुकानें हम खोलेंगे, और हमारी जो लड़ाई है क्योंकि जब तक हमारी दुकानें हमको जैसी की वैसी नहीं मिलती, जब तक जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी।